दानिश अली ने अपने निलंबन के बाद कहा कि वो किसी भी प्रकार की पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। उन्होंने केवल भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। आगे दानिश अली ने कहा, यदि ये अपराध है तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा मुझे निलंबित करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया है। बसपा की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दानिश अली को कई बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप अपनी पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई भी बयानबाजी ना करें, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने लगातार पार्टी के खिलाफ जाकर ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण की वजह से संसद से निष्कासित कर दिया गया था। संसद से निष्कासित करने वाले प्रस्ताव के एक दिन पहले दानिश अली ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और वो विपक्षी सदस्यों के साथ लोकसभा की कार्यवाही से वॉकआउट भी कर गए थे, जबकि बसपा के अन्य सदस्य सदन में ही बैठे थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद मायावती ने यह फैसला लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं ने मायावती को ये जता दिया कि दोनों पार्टियों के बीच कोई गुप्त समझौता हो रखा है जो पार्टी के खिलाफ है और आगे जाकर पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बता दें, इससे पहले भी 21 सितंबर को लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दानिश अली से उनके आवास पर उनसे मिलकर मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि रमेश भिदुड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है, लेकिन अब देखने लायक ये होगा क्या संसद में जोरदार तरीके से अपनी बात रखने वाले मशहूर सांसद दानिश अली के निलंबन से अमरोहा सीट की सियासी तस्वीर बदलेगी या नहीं। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिनगरी न्यूज़। शुक्रिया।